हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो एक्सेल के दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले जो कि काउंट इफ और काउंट इफ एस हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए सैम्पल डेटा पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेस के बारे में बता दूं। दोस्तों, काउंट इफ जो फॉर्मूला है वो किसी भी कंडीशन के बेस पे आप काउंट कर सकते हो कि सेल कितनी बार वो चीज़ वो कंडीशन आई है। जैसे कि एग्जांपल से आप ज़्यादा समझोगे, जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आपको देखना है कि जैसे इस सैंपल डेटा में कितनी बार शॉपिंग शॉपिंग मैंने कितनी बार की है, तो आप काउंट इफ का प्रयोग करके इसको पता कर सकते हो। तो सिंपल सी फॉर्मूला है आपका, काउंट इफ में आपको दो चीजें देनी होती हैं। पहली, जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे आपको काउंट करना है, जहां पे आप कंडीशन को मैच कराना चाहते हो, और दूसरा कंडीशन। दोस्तों मुझे शॉपिंग जो है वो सर्च करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे शॉपिंग लिख देता हूँ, SHOPING। एक चीज याद रखिएगा कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, जो वैल्यू आप कंडीशन में लिख रहे हो, जो आप मैच कराना चाहते हो, वो उस रेंज में हो, तभी ये काउंट करके आपको देगा। तो देखिए, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता है 2। इसका मतलब शॉपिंग जो है इस लिस्ट में यहाँ पे 2 बार आया है, 2 बार शॉपिंग की गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट में, आप किसी भी कंडीशन के बेस पे आप पता कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी बार आई है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको पता करना है कि 200 रुपये से ज़्यादा कितनी बार खर्चा हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप सिंपल वही फॉर्मूला है, काउंट इफ। अब यहाँ पे रेंज भी चेंज हो जाएगी, मुझे यहाँ पे सर्च करना है, और कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। कंडीशन में मुझे लिखना है >200। तो देखिए, 5 बार मैंने 200 रुपये से ज़्यादा खर्चा किया है। तो पहला है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 200 को काउंट नहीं किया गया बिकॉज आपने फॉर्मूले में ग्रेटर देन लिखा था। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते तो यहाँ पे 200 को भी काउंट कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे 8 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से आप किसी कंडीशन के बेस पे काउंट इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है काउंट इफ एस। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है जिसके बेस पे आप काउंट करना चाहते हो सेल्स को, तो आप काउंट इफ एस प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये पता करना है कि मैंने शॉपिंग तो की है लेकिन कार्ड से कितनी बार की है या कैश कितनी बार की है, तो आप यहाँ पे काउंट इफ एस यूज कर सकते हो। मैं यूज करूँगा काउंट इफ और एस, काउंट इफ एस। इसमें मैं पहले देखूंगा कि मैंने शॉपिंग कितनी बार की है, तो उस शॉपिंग के लिए मैंने ये रेंज ले ली और इसमें मुझे सर्च करना है शॉपिंग। दोस्तों, जितनी भी कंडीशंस हो और जहां जहां पे भी सर्च करना वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी रेंज है ये वाली, और इसमें मुझे सर्च करना है कि कार्ट से मैंने कितनी बार शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ पे आप देख रहे थे कि मैंने 2 बार शॉपिंग करी है, अगर मैं काउंट इफ फॉर्मूला यूज करके मैंने निकाला था। लेकिन अब शॉपिंग जो है कार्ड से कितनी बार की है, शॉपिंग तो की है, शॉपिंग तो यहाँ पे 2 बार है, लेकिन एक बार कैश है और एक बार कार्ड से है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि कार्ड से आपने 2 बार की है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि शॉपिंग मैंने कितनी बार की है और 500 रुपये से ज़्यादा
कितनी बार की है, तो वो भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए काउंट इफ पहला, सॉरी इफ एस, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहले में आपने पता करना है कि शॉपिंग कितनी बार की है, और दूसरी कंडीशन है आपकी कि 500 रुपये से ज़्यादा कितनी बार की है। तो जो प्राइस है वो आपका इस कॉलम में है, तो आप रेंज ले लीजिए ये वाली, और इसमें आपकी कंडीशन लग जाएगी ग्रेटर देन 500। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपने 500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग की है, देखिए एक बार 800 की है और एक बार 300 की है। तो बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं, आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।